मैं इस समय पटेल इंटर कॉलेज भभुआ में उपस्थित हूं और देखिए छात्र और मैम के द्वारा पेड़ लगाया, पुष्प रोपण किया जा रहा है। ये शीशम का पेड़ है, कुछ छात्र जो हैं इस समय सागवान का पेड़ रोप लगा रहे हैं जिससे जल संकट की समस्याएं दूर होगी। आइए मैं इस समय कुछ छात्रों से बात करेंगे कि इनका क्या उद्देश्य है और जल संकट के विषय में क्या सोच रहे हैं। पेड़ एक जिंदगी के तहत हम लोग एक पेड़ लगाएंगे जिससे पर्यावरण से सुरक्षा रह गई। इतना प्रदूषण फैल गया है, आने वाला समय में अगर हम लोग पेड़ पर्यावरण संरक्षण नहीं करेंगे तो मास्क पहन कर घूमना पड़ेगा, जिसके कारण अधिकतर से अधिक पौधारोपण हम लोग करते हैं। तो अभी तक ले कितना पौधा इसमें रोपण हुआ है? अभी 10-12 अभी हम लोग लगाए हैं, मतलब अभी हम लोग 10 दिवसीय जारी रहे। आप ये संदेश बिहार के सभी युवाओं को देना चाहते हैं कि आप भी पेड़ लगाइए, आप भी पर्यावरण को शुद्ध करिए, आप भी जल संकट की समस्याओं को दूर करिए? जी, एक पेड़ एक इंसान हर लगाएगा तो ये पर्यावरण हम लोग का संरक्षण रहेगा और शुद्ध मैंने वायु मिलेगा, यही हम सबको मैंने देना चाहते संदेश। को खाना खिलाए रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई ना भूखा रहे से जुड़े। rooffoundation.org पर जाए या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करे डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। ये हम लोग का विश्वविद्यालय का एक स्कीम आया है हर परिसर हरा परिसर, तो अपने अपने महाविद्यालय में या अपने महाविद्यालय के आसपास हम लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाने हैं, एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है कि अब जो है एमए के सिलेबस में करिकुलम में स्वच्छ भारत अभियान एवं पर्यावरण संवेदना जो है ये इनका एक पेपर भी है और इन लोगों को इसके तहत 50 घंटा काम भी करना है, और यदि ये पेपर ये लोग क्लियर नहीं करेंगे तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर ही नहीं पास होगा। तो ये मोदी जी ने, भारत सरकार ने ये ऐसा कार्यक्रम अब शुरू कर दिया है कि हमारे युवा जो हैं तो हमारे युवा इसमें किसी भी हाल में स्वच्छ भारत अभियान से और पर्यावरण जागरूकता से खुद भी काम करें और लोगों को भी जागरूक करें। मनरेगा के तहत हर प्रखंड में हर जिला में मुफ्त में पेड़ वितरण किया जा रहा है, तो मैं कुछ छात्रों से बात करेंगे कि इस उद्देश्य को वो अपने गांव स्तर तक भी ले जाएंगे, इस उद्देश्य को आप लोग गांव स्तर तक भी ले जाएंगे? बिल्कुल, अभी तो शुरुआत हम इसे मुफ्त में नहीं है, ये मुफ्त में नहीं मिला है, ये मुफ्त में नहीं मिला, 150 रुपया अपने खर्चा से अपने तरफ से लेंगे। आप लोग अपने पैसा से छात्र महाविद्यालय हम लोग जो बच्चे अपने पैसे से लाना चाह कर करके पेड़ लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, और यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भी कुछ पेड़ लगे हैं और हर पेड़ पर एक शिक्षक और 3 छात्र छात्राएं रखे गए हैं ताकि लगाना आसान है लेकिन उसकी सुरक्षा करना और उसको उस पेड़ को जो है बढ़ने की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक और वो 3 छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी रहेगी। तो कौन कौन टीचर हैं, कौन कौन छात्र हैं जो पेड़ खरीद कर लाए हैं? हाँ सर, ये बिल देख लीजिए अभी। आप किस चीज़ का पेड़ लाए हैं? मैं आम का और ये अशोक का लेकर आई हैं। आपका नाम? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी, आप ये संदेश पूरे जिले में देना चाहते हैं, पूरे बिहार के छात्राओं को देना चाहते हैं कि आप भी अपने पैसे से पेड़ लगाइए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है। जब पेड़ हमारे क्षेत्र में अधिक होगा, वातावरण सही रहेगा, तो बारिश ज़्यादा होगी, तो जिससे जल संकट की समस्याएँ नहीं होगा? नहीं, जो सर लगाना चाहिए, मेरा मतलब मेरा असल मानना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और इससे मतलब पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, मतलब बिकॉज ये बहुत ही अच्छा काम है पेड़ लगाना, पौधारोपण करना, हर जगह जाकर भी लगाना चाहिए। 10 साल बाद आएंगी तो आप इस समस्या को गांव तक भी पहुंचाएंगी? यस, ऑलवेज। गांव में जाकर, गांव में बहुत कम लोग शिक्षित हैं, इस चीज़ को नहीं जान पाते हैं, पेड़ की कटाई बहुत तेज़ी से गांव के क्षेत्र में चल रहा है, तो क्या आप इस पर भी जाकर उनको जागरूकता करेंगी? यस यस करेंगे, हम लोग एकदम गांव गांव घर घर करेंगे, घर घर करेंगे इस अभियान को और अपने पर्यावरण अभियान दोनों अभियान। हमने किया भी है ऐसा, हम लोग जागरूकता जी। तो यहाँ 10 पेड़ लगाया गया है,
और जागरूकता भी हम लोग करेंगे। ऐसे नहीं होगा तो गाना के माध्यम से करेंगे। गाना एक हमने गाया, सुनी जा हम कह तानी कह के सुनाई, काट के अपेक्षा आप लोग पेड़वा लगाई, सुनी जा हम कह तानी पेड़वे से सब कुछ होला, सुनी जा मोर भैया फल फूल लकड़ी से मिलेला दवैया, कार्बन डाई से रक्षा सबके पेड़वे करी भाई, काट के अपेक्षा आप लोग पेड़वा लगाई। जी गाना के माध्यम से भी हम लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद। जी जी, आप भी पेड़ खरीद कर लाए हैं जी, उसका बिल भी है, है। देखिए युवाओं में कितना जोश है कि ये अपने पैसे से पेड़ खरीद कर ला रहे हो और ये पटेल इंटर कॉलेज में इस पेड़ को रोपण कर रहे हैं। पटेल कॉलेज है ये, भभुआ में पटेल कॉलेज है, यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं। इन में एक अजीब से उत्साह देखने को मिल रही है, जो युवा गाना के माध्यम से भी पूरे बिहार में पर्यावरण को बचाए रखने का संदेश दिया। और आप देखिए यहाँ पे कितने के संख्या में छात्र छात्राएँ उपस्थित हैं और इनका क्या भावना है, अभी भी हम और जानना चाहते हैं। और आप लोगों को कुछ संदेश हमारे टीवी चैनल के द्वारा बिहार को देना चाहते हैं आप लोग? हम यही कहना चाहेंगे सभी लोगों को कि युवाओं लोग और बुजुर्ग लोग सभी लोग की एक पेड़ हर एक घर में, हर एक बच्चे एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ से ही बहुत विकास होगी। अगर एक पेड़ लोग, एक पेड़ एक जीवन के बरोबर है। हम लोग कैमूर में 17 लाख जनसंख्या है, यदि एक आदमी एक पेड़ लगाएगा तो कैमूर में 17 लाख पेड़ लग जाएगा। ऑक्सीजन की कमी या बारिश की कभी भी वर्षा की कमी नहीं होगी न कोई। इसके भविष्य के विषय में सोच रहे हैं, भविष्य के बारे में कि आगे आने वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए हम लोग पॉलिथीन मुक्त भी अभियान चलाए थे, सफाई अभियान भी, स्वच्छ अभियान एनसीसी एनएस के थ्रू हम लोग चला रहे हैं, सफाई अभियान की कोई भी सफाई न हो, गाँव गाँव घर घर भी सफाई अभियान के लोग कूड़ा करकट अपना बटोर कर रखे और सब चीज का उसका जागरूकता बनाए कि सभी लोग गाँव जाकर शुभ आरम्भ कर दिए, निरंतर चलते रहेगा। आप इस पेड़ को लगा दिए तो इसका देखभाल भी करेंगे कि लगा दिए तो देखभाल एकदम जब तक बड़ा ना हो जाए। देखिए इसका क्या सिस्टम है, इसके लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा, एक रजिस्टर पे एक टीचर रहेंगे और 3 छात्र रहेंगे। इस पेड़ के, इस पेड़ का नाम उस पे लिखा जाएगा और उस रजिस्टर के द्वारा इस पेड़ का सिंचाई किया जाएगा। और आप लोग इस क्षेत्र से, इस स्कूल से पढ़कर चले जाएंगे, ये पेड़ तो बड़ा हो जाएगा तो कभी आप लोग का याद रहेगा, इस पेड़ को देखने याद आएगा। नहीं बच्चे आने वाले जो भी छोटे हम लोग से जूनियर रहेंगे तो याद करेंगे भैया लोग लगा कर गए हैं।